देवी और सज्जनों नमस्कार, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम लोग आज फिर वही टॉपिक लेके बात करेंगे, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह का योग। जय माता दी दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। उसके लिए सबसे पहले हमें कुंडली को समझना है। ये यहाँ कुंडली दी हुई है जो एक से लेकर 12 तक लिखी हुई है। पहले नंबर को पहला भाव, दूसरे नंबर को दूसरा, तीसरे को तीसरा भाव, चौथे को चौथा भाव, पांचवे को पांचवा भाव, छठे को छठा भाव, सातवें को सातवां भाव, आठवें को आठवां भाव, नौवें को नौवां भाव, दसवें को दसवां भाव, ग्यारहवें को ग्यारहवां भाव और बारहवें को बारहवां भाव कहा जाता है। जनरली प्रेम विवाह के लिए हम लोग पहला घर, पांचवा घर, सातवां घर और नौवें घर को देखते हैं, जिसे लग्नेश कहते हैं। हम लोग पहले घर को लग्न कहते हैं, पांचवें घर को पंचमेश पंचम भाव, सातवें घर को सप्तमेश सप्तम भाव, नौवें घर को नवमेश नव। अब इसके स्वामी को देखते हैं ये कौन सी राशि है। एक हमने यहाँ एक लिस्ट बनाई हुई एक से लेकर 12 तक, जो इसके राशि के बारे में, स्वामी के बारे में बता रहे हैं। जो पहला नंबर यदि आपको दिख रहा है तो वो मेष राशि होगी, जिसके स्वामी मंगल हो जाते हैं। दूसरा नंबर जहां आपको दिख रहा है वो आपको वृषभ राशि होगी, जिसके स्वामी आपको शुक्र हो गए। तीसरा नंबर मिथुन राशि हो गए, उसके स्वामी बुध हो गए। चौथा नंबर कर्क राशि, उसके स्वामी चंद्रमा। पांचवा नंबर आपको हो गए सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। छठा नंबर आपको कन्या राशि होगी, जिसके स्वामी बुध होते हैं। सातवां नंबर आप देख सकते हैं तुला राशि लिखी हुई है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। आठवां नंबर वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। नौवां नंबर जो आपको धनु राशि हो गई, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। आपको जो दसवीं नंबर जो दिख रही है वो मकर राशि हो गई, इसके स्वामी शनि हो गए। ग्यारहवीं नंबर जो आपको कुंभ राशि होगी, इसके स्वामी शनि। और बारहवीं जो नंबर है वो आपको मीन राशि होगी, जिसके स्वामी गुरु हो गए। तो प्रेम विवाह, प्रेम के लिए जो उसके कारक होते हैं वो होते हैं शुक्र होते हैं। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रेम विवाह का योग बनता कैसे है। यदि हमारे कुंडली में शुक्र यदि लग्न में हो, पहले घर में हो या दूसरे घर में हो या तीसरे घर में हो या पंचम घर में हो या सप्तम घर में हो या नवम घर में हो, तो उससे हम लोग प्रेम विवाह का योग देखते हैं। साथ में हमें पंचम घर और नवम घर को देखना, उसके पंचम के जो स्वामी हो गए उसको पंचमेश कहते हैं, नवम के जो स्वामी हो गए उसको नवमेश कहते हैं। उनको देखना, उनकी युति कहाँ बन रही है, युति बन रही है बन रही वो देखना, क्या वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि पंचम घर और नवम घर से हम लोग प्रेम का भाव को देखते हैं। जनरली हम लोग पांचवें घर से प्रेम को देखते हैं, लेकिन पांचवें से पांचवा यदि आप गिनोगे एक दो तीन चार पांच तो नवा घर आता, तो नौवे घर से भी हम लोग प्रेम को देखा जाता है। साथ में हमें शुक्र और मंगल की युति को देखना है कि क्या शुक्र और मंगल की युति कहीं बन रही है हमारी कुंडली में, ये भी हमारे प्रेम विवाह को दर्शाता है। साथ में मैंने आपको नवमेश और पंचमेश की युति के बारे में बता दिया, और साथ में हमें राहु भी देखा जाता है कि राहु कहाँ बैठा हुआ, किसको देख रहा, क्या राहु जहां बैठा वहां से लग्न पंचम घर सप्तम घर नवम घर को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। देख रहा है तो इससे भी हम लोग प्रेम विवाह का योग बनता है, बताया जाता है। अब चलिए कुंडली हम लोग यहाँ पर आई होगी, आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए और हो सके तो इसे आप कागज में नोट कर लें कि आपको समझने में आसानी होगी। बार बार आप मेरे वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार हम लोग प्रेम विवाह का योग को देखते हैं। ये कुंडली देख रहे हैं, सात नंबर की कुंडली है, अर्थात तुला राशि की कुंडली है। तुला लग्न हो गए, इसके स्वामी हो गए आपको शुक्र हो गए, जो मैंने आपको बता चुका हूं। और सप्तम घर को देखे, सातवें घर को देखे, एक नंबर लिखा हुआ है। तो इनके क्या हो गए, मेष राशि, इसके स्वामी कौन से हो गए, मंगल हो गए। तो अब हमें देखना है
कि क्या मंगल और शुक्र की युति बन रही है। हम यहाँ देख सकते हैं इस कुंडली में कि मंगल और शुक्र की युति लग्न में ही बन रही है, तो ऐसे तो मतलब प्रेम विवाह का योग बन गया। ऐसे व्यक्ति भोगी होता है, वो एक विवाह करता है फिर उसे छोड़ देता है, फिर दूसरा विवाह किया है उसे भी छोड़ दिया है, अब तीसरा विवाह करने का ये प्रयत्न कर रहा है। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो शुक्र और मंगल के कहीं भी युति बनती है तो वो व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है, उस बुद्धि को वो नष्ट कर देता है, सोचने समझने की मतलब जिज्ञासा समझ को खत्म कर देता है। इसी प्रकार शुक्र और मंगल की युति बनती है दोस्तों। अब हम लोग यहां देखते हैं पंचमेश और नवमेश को। देखिए पंचमेश यहां इस कुंडली में क्या बता रहे हैं आपको, 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कुंभ राशि, इसके स्वामी कौन हो गए शनि हो गए। नवमेश देखिए क्या लिखा, 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि, इसके स्वामी कौन बुध हो गए। क्या इन दोनों की युति बन रही है शनि और बुध की? हम इस कुंडली में देखेंगे शनि और बुध की युति देखिए आपको 11वें नंबर पर बन रही है, अर्थात उसमें 5 नंबर लिखा हुआ मतलब सिंह राशि, उसके स्वामी सूर्य है, तो ये बहुत खराब योग आपको बहुत अशुभ योग है। क्या कि सूर्य शत्रु राशि हो गई शनि की, शनि उसको शत्रु मानता है, सूर्य भी उसको शत्रु मानता है, बनती नहीं है, लेकिन प्रेम का योग तो बन रहा है। क्या कि पंचमेश और नवमेश जाके एकादश में बैठे हुए हैं, प्रेम का योग बन रहा है दोस्तों। उसी प्रकार यदि आप देखिए पंचमेश, पंचमेश कौन से हो गए कुंभ राशि, उसके स्वामी कौन शनि हो गए, तो क्या शनि लग्न को देख रहा है, सप्तम को देख रहा है, क्या शुक्र को देख रहा है, मंगल को देख रहा है? यह हम लोग देख सकते हैं दोस्तों इस कुंडली में कि शनि 11वें घर में बैठा हुआ है, वो अपनी तीसरी दृष्टि से शुक्र और मंगल को देख रहा है, अर्थात प्रेम विवाह का योग बन गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुंडली, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली आपको हो गई, जो लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ अर्थात वृश्चिक राशि, इसके स्वामी आपको हो जाते हैं मंगल। और 7वें घर को देखिए, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है अर्थात वृष राशि, इसके स्वामी हो गए शुक्र। तो क्या मंगल और शुक्र इस कुंडली में कहीं बैठे हुए हैं? तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मंगल और शुक्र 9वें घर में बैठे हुए हैं। 9वां घर मतलब वो भी प्रेम का घर हो गया, यहाँ प्रेम योग बन जाता है आपको दोस्तों। अब हमें पंचम घर को देखना है, पंचम घर कौन सा हो गए 12 नंबर लिखी हुई दोस्तों अर्थात मीन राशि, उसके स्वामी गुरु हो गए। क्या गुरु शुक्र को देख रहे हैं इस कुंडली में? शुक्र तो गुरु को नहीं देख रहे, लेकिन गुरु शुक्र और मंगल दोनों को अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। अर्थात यदि गुरु सॉरी शुक्र और आपको मंगल की युति बन रही है 9वें घर में, ये बहुत खराब युति है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जहां भी शुक्र और मंगल बैठते हैं प्रेम तो बताता है लेकिन बहुत खराब बताता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भोगी होता है, ये बहुत अनेक लड़कियों से इनका संबंध बनाता है और साथ में उसे छोड़ भी देता है। गुरु इसे देख रहा है मतलब वो अपना सात्विकता दे रहा है, मतलब रोकेगा, एक बार रोकेगा, दो बार रोकेगा, लेकिन फिर भी असफल रहे। कहा कि शुक्र और मंगल की जो युति है बहुत खराब चल रही है, इसकी दशाएं हैं बहुत खराब है ये। तो इसी प्रकार प्रेम विवाह में परिणित तो नहीं होगा लेकिन प्रेम तो बनता है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोगों को अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि पहला घर, पांचवां घर, 7वां घर, 9वां घर क्या संबंध बन रहे हैं, साथ में उसके लग्नेश के क्या संबंध बन रहे हैं, साथ में शुक्र को और मंगल को देखना है, साथ में शनि को भी देखना है, राहु को भी देखना है, उसका पोजिशन को देखना है। हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसे मैं बनाते बनाते मेरे को लगभग 1 साल लग जाएंगे दोस्तों। यदि किसी प्रकार की आपको यदि परेशानियां आएगी समझने में तो कृपया हमें कॉमेंट अवश्य करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमें आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहे कि मैं अच्छे से अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।